जैसे कि आप सबको पता है, मैंने स्टेज 4 कंप्लीट कर लिया है और मेरे साम्राज्य में सिर्फ एक ही चीज बची है, वो है स्टेज 5 को कंप्लीट करने का एक मिशन, जो इस बार हम पूरा कर पाएंगे और नहीं वो तो खेल कर पता चलेगा जब इसके स्टेज 5 के अंदर एंटर करेंगे। तो बिना देर के एंटर कर देते हैं और गेम का मजा लूटते हैं। और चैनल पर जो भी नया है वो सब्सक्राइब करो। और तो चलिए चलते हैं। तो ये रहा हमारा स्टेज 5। तो ये हमारे बेहतरीन सिपाहियों के जरिए से हम एंटर करेंगे और देखेंगे कुछ नया एनिमी मिलेगा या फिर नहीं। तो ये कुछ घिसे पीटे लोग हैं, तो हमारे सिपाही जितने होंगे उतने सारे, उतना मज़ा आएगा। तो मज़े को लूटते हुए देखा हम कितने जल्द आगे आ गए। तो पीछे से भी मारने वाले हैं, सामने से भी, मेरा मतलब पीछे से भी मारेंगे। ये हट रहे। तो ये कौन सा बड़ा मॉन्स्टर आएगा, मैं तो नोटिस ही नहीं किया। कोई बात नहीं, हमारे सिपाही देख लेंगे भाई, हम जीत देंगे, हासिल कर लेंगे जीत। तो 97 बचे हैं भाई एनिमी, बस बाकी बचे तो देख लेंगे, बस ये बड़ा मॉन्स्टर हट जाए, क्योंकि ये जब हटेगा तभी तो सबकी फटेगी। तो जितने सिपाही होंगे उतने बेहतर होंगे। कुछ ज़्यादा ही टफ लग रहा है भाई, इतने सारे सिपाही और हमारे थोड़े तीरंदाज बचे हैं, और ये हमारा किंग कहीं मर ना जाए इस गेम का। तो चलो कोई बात नहीं, उनका किंग मर गया, बड़ा मॉन्स्टर चले गया, इस बार हम जीत हासिल करके रहेंगे, ये मैच हमारा है भाई। तो देखा, बस बचे हैं 22, तो इन्हीं में तो बचेंगे नहीं भाई, इस बार जीत हमारी हासिल है। हालांकि मॉन्स्टर बड़ा था, लेकिन हमने लेवल अप कर लिया है अपने मॉन्स्टर्स को, यानी हमारे सिपाहियों को, और जो है जो भी हो घर हम तोड़ के रहेंगे, जैसे कि टूट गया। तो स्टेज 5 हमने पार कर लिया भाई, स्टेज 5 हमने पार कर लिया, विक्टोरी हासिल कर लिया। रही बात स्टेज 6 की, इसे भी हम पार कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास बेहतरीन सिपाही है, यही काफ़ी है सबको उठा के मारने के लिए। तो ये रहे, अबे ये क्या है बे, कोई बात नहीं, ये थोड़े गेम से खेल रहे, कोई बात नहीं, हमारे पास जितने सिपाही होंगे उतने अच्छा होगा, इसलिए हम डालते डालते इन सबको देख लेंगे। देखा मेरे सिपाही इतने लेवल अप है, मतलब इतने हाई लेवल में है कि इनका एक एक वार भी ऐसे झेल लेंगे जैसे कि ये कुछ नहीं झेलते। कोई तो बात नहीं, अरे जल्दी आ रहे, ये सिपाहियों को डालना है अपने मैदान में। लो आ गए, चल तू बाहर चल। तो इस बार यही बड़े, कौन किसको मारा कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, दो प्लेयर स्ट्रांगेस्ट है हमारे, एक एक मार पर सबके सब भाग जाएंगे। ये देखो आ रहे हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़े आ रहे भाई, अरे हम पेल देंगे तुमको, छोड़ेंगे थोड़ी, यह मैच हम जीत के ही मानेंगे। अरे आ रहे मॉन्स्टर, नहीं हमारा सिपाही आना चाहिए, ये लो किंग आ गया हमारा, क्योंकि एक मार सबके भारी हो जाएगा। तो जल्दी आ रहे, सिपाही खत्म हो रहे। अबे गेम हाथ से जाते हुए नजर आ रहा है मेरे को, सच में मैं मुझे लगा कि हम जीत लेंगे। कोई बात नहीं, क्रॉमैक्स मैच करते रहो भाई, जितने सिपाही उतने। लो इस बार हम गेम अपनी तरफ करके मानेंगे, तो हम इस स्टेज को पार कर लेंगे भाई, पार कर लेंगे। किला तोड़ने में हमारे सिपाही मशरूफ है, मतलब बहुत ज्यादा। लो किला भी टूट गया, तो स्टेज पार कर लिया भाई ने। और रही बात स्टेज 7 की, तो इस बार हमें बहुत कुछ ज़्यादा मिला है अनाज। ये स्टेज 7 पता नहीं कैसा होगा, लेकिन खेलेंगे हम स्टेज 7। और रही बात 5 और 6 की, मतलब 5 और 6 की स्टेज बहुत ही आसानी से पार कर लिया ऐसा लग रहा है, लेकिन सच कहूँ तो इसका जो साम्राज्य है, जितना इसको लेवल अप करने में वक्त लगता है ना, वो बहुत ही बड़ा है प्रोसेस है। हालांकि मैंने वो चीज़ें आपको दिखाई नहीं है, अगर देखने लग जाओ तो बहुत बड़ी लंबा चौड़ा वाला सीन हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने वो सारी की सारी चीज़ें ट्रिम कर ली है। और यहाँ पर सिर्फ मैं इस चैप्टर 2 को फिनिश करना चाहता हूँ, बस मेरा एक ही चीज़ का गोल है, वो है ये। तो हम 7 भी पार करेंगे और 8 भी और 9 भी, हो सकता है इस चैप्टर 3 भी आ जाए कब, पता नहीं, जब ये हम पार कर लेंगे। तो कोई बात नहीं, 7 का हम ट्राई करेंगे, इस बार एनिमी खतरनाक हो सकते हैं। हालांकि हमने अच्छा बेस्ट दिया है अपना जो भी हो, लेकिन स्टेज 7 पे मिलता है। चैनल बना तो सब्सक्राइब करो, अगर आपने पार नहीं किया तो एक बार ज़रूर रखना, जो आपका किला है उसको मजबूत करने के लिए वक्त लगेगा, तो उसे पहले बिल्ड कर लो। तो मिलता है नए वीडियो में,
और स्टेज 7 के साथ। तो टिल देन बाय बाय।